स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है स्कोडा स्लाविया का सबसे टॉप एंड वेरिएंट। आज के इस वीडियो में जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉप एंड वेरिएंट के बारे में कि ये टॉप एंड वेरिएंट आपको क्या कुछ जो है ऑफर करता है, और अभी जो है स्कोडा ने कुछ चेंजेस किए हैं स्लाविया के अंदर, क्या कुछ चेंज आया है, उन सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी इस वेरिएंट के बारे में। और साथ में ये जो कलर आप देख रहे हो ये भी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजिली देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको इस वेरियंट की चाबी दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, एक्सटीरियर में आपको क्या कुछ मिलेगा, और उसके बाद चलेंगे इंटीरियर की तरफ और जो चेंजेस आए हैं फिर मैं जो है उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप चाबी देख लो इस वेरिएंट की। चाबी आपको कुछ इस तरीके की जो है देखने को मिलेगी। सामने की तरफ आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक और बूट खोलने का। वैसे इसके अंदर मैनुअल बूट आता है, और पीछे बात करोगे तो टिपिकल आपको स्कोडा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन दे रखा है, बट मैं जैसे आपको वेरिएंट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और जो अपनी दूसरी चाबी है वो भी बिल्कुल आपको डिटो सेम देखने मिलती है। चाबी आपने देख ली, अब मैं बताता हूँ ये वेरिएंट कौन सा है। अगर आप स्कोडा की कार्स को पहले भी देख रहे होगे तो आपको पता होगा, बट अब जो है स्कोडा ने इनके नाम वगैरह जो है चेंज कर दिए हैं। ये जो है इसका टॉप एंड वेरिएंट है प्रेस्टीज 1.0 मैनुअल के अंदर। आपको ऑटोमेटिक वगैरह चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहले जो ये वेरिएंट आता था स्टाइल के नाम से आता था, बट अब जो है स्कोडा ने इसका नाम चेंज कर दिया है, नाम हो गया है प्रेस्टीज 1.0। क्या नाम के साथ कुछ फर्क आया है कि नहीं आया उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपको चाबी दिखा दी, नाम भी बता दिया कौन सा वेरिएंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, और अब मैं आपको बताता हूँ इसका नया वाला जो एक्स शोरूम प्राइस है। ये वाला वेरिएंट अगर आप इस महीने के एंड तक परचेस करोगे तो ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है 15,99,000 एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, साथ में आपको डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर आपका प्लान बनता है स्कोडा के किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो डेफिनेटली आप डीलरशिप को जो है कॉल कर सकते हो। और एक चीज और, इसके ऊपर आपको जो भी ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अगर आप एग्जैक्ट डिटेल में जानना चाहते हो या बार्गेन वगैरह करना चाहते हो वो आपके हाथों में है। बाकी अब बात करते हैं देखो क्या कुछ ये वाला वेरिएंट, जैसे कि मैंने बताया टॉप एंड वेरिएंट है, क्या कुछ ऑफर करता है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो मैंने जैसे बताया कि प्रेस्टीज वाला वेरिएंट है 1.0 ऑटोमेटिक के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर है। आप बताओ ये कैसी लग रही है स्लाविया। बहुत से ब्रांड जो है ब्लैक कलर को अलग नाम से लॉन्च कर रहे हैं, पहले स्कोडा ने भी किया था बट अब स्कोडा ने जो है कॉमन कर दिया, सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी एक बार आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ, इस कलर के अंदर आपको थोड़े से स्पार्कल्स भी मिल जाएंगे, प्योर जेट ब्लैक कलर जो है ये नहीं है। बाकी सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ कंप्लीट इसको यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। सेंटर में स्कोडा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। ग्रिल जो है आपको बिल्कुल सेम सिग्नेचर वाली यहाँ पे मिलती है। क्रोम का यहाँ पे यूज आपको दे रखा है। और इस साइड आ जाओगे तो यहाँ पे आप देख लो इसकी फॉग लैंप आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। बाकी नीचे बात करोगे तो रेडिएटर आपको ग्रिल मिल जाती है, कोई भी स्किड प्लेट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। और एक चीज और, आप देखो आप इसकी हेडलाइट यूनिट, बाकी यहाँ पे आपको जो है इसके DRLs मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको दे रखी है। हाई बीम लो बीम आपको इसी के अंदर मिलती है, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज और दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बेजिंग भी देखने को मिल जाती है। और एक चीज और, कभी आपकी कार खराब हो जाए टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये कंपनी फिटेड है, कोई भी एक्सेसरीज के तौर पर यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड नहीं किया गया है। तो अगर आप फ्रंट से टॉप एंड की बात करोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी, और बोनेट पे इस तरीके के आपको जो है डिजाइन जरूर से देखने को मिल जाते हैं। अच्छे खासे कट एंड क्रीजेस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी आप बताओ फ्रंट से आपको जो स्लाविया का फ्रंट वाला लुक है कैसा लगता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 वॉशर आपको दे रखे हैं। और इस साइड आ जाओगे एक बार आप कंप्लीट कार देख लो, ऐसी कुछ आपको जो है कंप्लीट कार यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखो फेंडर पे स्कोडा की बेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। बात करोगे व्हील्स की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा जो है टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको जो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। ये थोड़ा सा आपको डार्क ग्रे यहाँ पे मिलेगा, बाकी ये जो है थोड़ा सा सिल्वर फिनिश है। प्रॉपर डायमंड कट अलॉय व्हील्स है स्कोडा का, आप लोगो देख सकते हो। आगे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक बार पीछे और दिखा देता हूँ क्योंकि पहले नहीं आता था ये। आप देख लो यहाँ पे अभी भी जो है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया, पीछे अभी भी जो है आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन ही मिलता है। बाकी ABS CVT जो है स्टैंडर्ड ही आता है। और बात करोगे अपने टायर की तो यहाँ पे आप देखो MRF के इकोट्रेड GCA4 वाले जो है यहाँ पे टायर मिल जाते हैं। सेक्शन और दिखा देता हूँ, 205, 55, 16, 16 इंच के यहाँ पे आपको जो है रिम का साइज दिया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है इस तरीके के, आप यहाँ पे वेंट देख सकते हो। बाकी बात करोगे आगे के सस्पेंशन की तो आगे आपको MacPherson मिलते हैं, पीछे आपको सेम कपर टॉर्जन XL बीम के साथ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा A+ जो है आपको बॉडी कलर मिलने वाला है, इसके अंदर डुअल टोन वगैरह का भी ऑप्शन आता है, तो अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। बाकी बात करोगे अपने ORVMs की तो ये सेम आपको बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों कर सकते हो, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। लोअर गार्निश आपको मिल जाती है, VW का लोगो आपको दे रखा है।
और जैसे कि अपना टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे जो है डुअल टोन डोर हैंडल्स का ऑप्शन मिल जाता है, रियर सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है। एक बार थोड़ा सा क्लोजअप में और आप देख लो। उसके अलावा सी पिलर पे भी आपको ग्लास मिल जाएगा, यहाँ तक जो है क्रोम का यूज आपको मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको जो है शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा तो यहाँ पे यही सारी चीज आ जाती है। पीछे आप आ जाओ एक बार, पीछे से एक बार आप कंप्लीट कार देखो, ऐसी कुछ आपको जो है देखने को मिलेगी। मैंने आपको शार्क फिन एंटीने के बारे में बता दिया था। रियर विंडशील्ड की बात करोगे तो डिफॉगर आपको मिल जाता है, स्पीकर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दे रखी है। सेंटर में बात करोगे तो स्कोडा की बड़ी सी बेजिंग है यहाँ पे, इस तरीके का आपको इंसर्ट भी दे रखा है, स्लाविया की बेजिंग आपको मिल जाती है। टॉप एंड वेरिएंट है तो जो इसका कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सेफ्टी में 3 सेंसर आपको मिल जाते हैं। दूसरी कार टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये थोड़ा सा निकल ही गया। बाकी क्रोम का जो है आप यूज देख रहे हो, ये कंपनी फिटेड है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई भी एक्सेसरीज जो है इसके अंदर फिलहाल इंस्टॉल्ड नहीं है। और रही बात अपने टेल लाइट्स की, वो आप देख लो, पूरा एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये इसके इंडिकेटर्स हैं, रिवर्स लाइट आपको ऊपर मिलती है, और ये जो पूरा पार्ट है ये डीआरएल्स आप इसके देख ही सकते हो। तो यहाँ पे तो देखो ये सारी चीज आएंगी। एक बार नीचे से और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिलेगा आपको इसका मेन एग्जॉस्ट टेल पाइप, और ऐसा दिखता है कंप्लीट इसका रियर सस्पेंशन। तो थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ। बाकी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब एक बार बूट को खोल लेते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको इसका बटन, इसको प्रेस करके आप जो है बूट को खोल सकते हो। उसके अलावा पूरा बूट कंप्लीट ऊपर चला जाता है, बट थोड़ा सा आई थिंक नीचे आ रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं। ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, कई बार मैंने आपको बताई होगी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस भी देखी उनके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि बहुत कम सेडान सेगमेंट में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको जो है हार्ड प्लास्टिक में पूरी कवरिंग मिलती है, बट स्कोडा इस चीज पे जो है बहुत ध्यान दे रहा है। अगर आपने वोल्टास वाली वीडियो भी देखी होगी तो वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। कवरिंग एक बार आप देखो, ऐसी कवरिंग और किसी कार के अंदर आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो बूट स्पेस है वो भी एक बार आप देख लो, 521 लीटर्स का आपको यहाँ पे जो है बूट देखने को मिल जाता है। लाइट ऊपर आपको दे रखी है, और ये भी पूरा पोर्शन जो है अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, जितना पॉसिबल है उससे ज्यादा ही कर रखा है। बट ऊपर थोड़ी सी कवरिंग नहीं है, बट चल जाएगा, चलो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सा है कि वायर यहाँ से आपको विजिबल हो रहा है, बट ठीक सा इससे तरीके से पैक करा गया है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा एक बार स्पेयर व्हील और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो है कंपनी फिटेड सबवूफर मिल जाता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा जब म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो VW की बेजिंग जो है यहाँ पे आपको मिलती है, और जो अपना टायर है वो मिलेगा आपको MRF का इको ट्रेड सेम GCA4 वाला। एक बार इसके प्रोफाइल को और दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट। यहाँ पे आप देखो 205/55/16 सेम साइज का आपको मिलता है। टूल किट वगैरह यहाँ पे प्लेस की गई है, वो भी अच्छी तरीके से है। देखो प्रीमियम सेगमेंट की अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और साथ में जर्मन गाड़ी के ऊपर जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये सारे फीचर्स जो यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी प्रीमियमनेस जो है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे यही सारी चीजें मिलती हैं। उसके अलावा एक बार इस साइड से और एक बार आप कार देख लो, ऐसी कुछ कंप्लीट कार आपको देखने को मिलेगी। सेम जो है स्कोडा की बेजिंग यहाँ पे आ जाती है, सेम रिक्वेस्ट सेंसर आपको दे रखा है। उसके अलावा पेट्रोल फिल करना है तो ये आप देखो, अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप इसको प्रेस करके भी खोल सकते हो। E5, E10, E20 तीनों को ये जो है सपोर्ट कर लेती है। उसके अलावा यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, तो ये सारी चीजें आएंगी अगर आप अपने टॉप एंड वेरिएंट के ऊपर जा रहे हो बाहर से। ऑफर के बारे में मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ, बट उससे पहले जो वेरिएंट का नाम चेंज हुआ है उससे देखो बाहर तो कोई फर्क ऐसा आया नहीं है, पहले जैसा था वही सेम है। अब चल लेते हैं अंदर, अंदर देखते हैं देखो अंदर क्या कुछ अलग है। सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम देखो, सेम आपको डुअल टोन ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा एक सेकंड इसको तो कर देते हैं थोड़ा सा बंद ताकि गाड़ी जो है आवाज ना करे। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको चारों पार विंडोज मिल जाती हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन जो है आपको ड्राइवर साइड वाली मिलेगी, चाइल्ड सेफ्टी का बटन है, ORVM के सारे कंट्रोल्स, और साथ में ऑटो फोल्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा डोर हैंडल की बात करोगे तो ये आपको क्रोम फिनिश के अंदर दे रखा है, ये पियानो फिनिशिंग का यूज आप देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनिंग का भी थोड़ा सा फर्क है, ये आप देखो। अगर आप अटेंशन टू डिटेल की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जरूर से मिलने वाला है। और जो इसका ट्यूटर है वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है माउंट किया गया है। स्कोडा साउंड की बेजिंग आप देख सकते हो, थोड़ा सा फोकस स्मेल का सा दिक्कत है, अब आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज मिलती है, स्पीकर आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करोगे इसके म्यूजिक सिस्टम की तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया टॉप एंड वेरिएंट है, प्राइस 1.0 मैनुअल के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 सबवूफर का ऑप्शन मिलेगा। 8 इंचेस का सबवूफर जो है यहाँ पे आपको आता है। जब ये अपडेट होके आई थी सलाविया तब भी मैंने आपको ये चीज वहाँ पे बताई थी, जब से लेकर अब तक यहाँ पे ये टॉप एंड वेरिएंट में ये वाला म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। अगर आप सिग्नेचर वगैरह वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबवूफर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में क्लियर चीज बता दी है, बाकी कोई भी इसका प्लेट वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली आप जरूर से लगवाएं, अदरवाइज आपको स्क्रेचेस ये जो दिख रहे हैं थोड़े बहुत ये आपको जरूर से मिलेंगे। बाकी किस टायर में कितना प्रेशर रखना है वो आपको यहाँ पे दे रखा है।
उसके अलावा जैसे टॉप एंड वेरियंट है हमारा, यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर वाली जो सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। सिक्स वे जो है आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे आगे पीछे, और इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो देखो सीट्स में तो ये था, उसके अलावा जैसे कि अपना मैनुअल वेरिएंट है तो तीन पेडल्स आपको मिल जाते हैं, फुट लाइटिंग आप इसके अंदर देख सकते हो। और इधर बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर के लिए कुछ छोटी सी स्पेस दी गई है, अगर ऑन द गो ड्राइवर कुछ यहाँ पे रखना चाहता है तो डेफिनेटली यूज कर सकता है। और जैसे अपने VW ग्रुप के अंदर आती है तो यहाँ पे आप देखो लाइटिंग के जो कंट्रोल्स हैं टिपिकल आपको Volkswagen वाले यहाँ पे जो मिलने वाले हैं। बाकी पुल अगर आप करोगे इस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकंड इस तरीके से, तो जो इसकी फॉग लैंप वगैरह और जो हाई बीम वगैरह है वो सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। बाकी आप ऑटो पे भी जो है छोड़ सकते हो, ऑटो की बेसिक आपको यहाँ पे दिखी रही होगी। हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिलता है इस तरीके से, उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग का यूज आ जाता है, गोल्डन इंसर्ट्स आपको दे रखे हैं। और इसको तो कर देते हैं अब बंद, और अब जो मैं एक बार डोर को करता हूँ क्लोज और सीट को कर लेते हैं अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट, ताकि मैं आपको सारी चीजें जो है एग्जैक्ट दिखा पाऊँ कि क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। सो एक बार गाड़ी को तो कर लेते हैं देखो स्टार्ट थोड़ा सा। सो सारी चीज अपनी कंप्लीट ऑन हो चुकी है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके की स्पीड को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ ताकि टेम्परेचर ठीक रहे। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखो टिकट होल्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इधर भी आपको जो है ग्रैब हैंडल दे रखा है, बट ये जो है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ नहीं आता है, ये आप देखो इस तरीके की ओपनिंग आपको मिलेगी। बाकी सनरूफ आपको जरूर से मिल जाती है, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो, ठीक साइज की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी कई कार से अगर इसे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, क्योंकि आप ओपनिंग देखो अच्छी खासी ओपनिंग मिलती है, ये भी पूरा पीछे चला जाता है। अगर आप किसी SUV से भी कंपेयर कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे उससे बड़ी ही सनरूफ मिलेगी। बाकी सेंटर में आप देखो यहाँ पे आपको जो है LED बेस्ड लाइट्स इस तरीके की मिल जाती है। फ्रेमलेस इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको यहाँ पे दे रखा है, बट रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन नहीं आता, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसके अलावा सेम ग्रैब हैंडल आपको दे रखा है। और बात करोगे इस जगह पे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिलती है। इस वाले वेरियंट के अंदर आपको 6 एयरबैग जो है देखने को मिलेंगे, एक बार मैं सीट के अंदर भी आपको दिखा दूंगा, सीट भी नहीं दिखाई थी वो भी दिखा दूंगा एक बार। बट उसके अलावा डैशबोर्ड देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट आपको जो है डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। रही बात अपने स्टेयरिंग व्हील की, तो टिपिकल आपको स्कोडा वाला 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, लेदर ऐप आपको दे रखा है इस वाले वेरिएंट के अंदर, यहाँ पे कुछ भी ऐसा सच मेंशन नहीं आता है। सेंटर में देखोगे स्कोडा का लोगो है, उसके अलावा एयरबैग की बैजिंग आ जाती है। क्रूज कंट्रोल के बटन आपको यहाँ पे मिलते हैं, और इंफोटेनमेंट के बटन के बारे में बात करोगे तो वो आप यहाँ पे देख लो। और रही बात अपने स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है, इतना ज्यादा स्मूथ तो नहीं है बट इतना ज्यादा बेकार भी नहीं है, बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे फील होने वाला है। जो अपने इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं वो आपके यहाँ पे मिलते हैं, और साथ में क्रूज कंट्रोल के बटन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये अपनी MID के थे, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई। बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ से ही जो है ऑपरेट कर सकते हो, Volkswagen की गाड़ियों में जो है लेफ्ट साइड ही आते हैं। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स आपको राइट साइड में यहाँ पे मिलेंगे, और जो अपनी MID है वो आप देख लो, ऐसी कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पूरा डिजिटल सेटअप आता है, कई बार मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है, बट फिर भी इसके अंदर भी मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको जो है गाड़ी का कूलेंट टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, गाड़ी में तेल कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करोगे अपनी MID की, तो यहाँ पे आपको जो है 10 इंच की LCD स्क्रीन यहाँ पे मिलती है, जो कि टाइम दिखाती है, आउटसाइड टेम्परेचर आप देख सकते हो, RPM मीटर ऊपर आ रहा है, एवरेज वगैरह क्या दे रही है गाड़ी, रीसेट आपने कब किया था, बाकी क्रूज कंट्रोल, पार्किंग ब्रेक और रेंज वगैरह और सीट बेल्ट की वार्निंग, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा भी अगर आप टॉगल करोगे तो वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे नो डिस्प्ले डेटा सेटिंग्स वगैरह हैं, क्लोज टेलीफोन ऑडियो किस हिसाब का आपको चाहिए वो ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बैक करोगे थोड़ा सा वो आप यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और स्लाइड करें सिंस स्टार्ट वगैरह आपने कब किया था वो ऑप्शन है, एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले अगर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप देख सकते हो, और क्लोज कर दोगे तो ये वापस अपनी वही जगह पे चला जाएगा। और साथ में कई सारी चीजें जो है आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो, पहली मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको ये वाली डिस्प्ले इस साइड की नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इस साइड ही देखने हैं सारे फीचर्स, वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो देखो आप इस तरीके से इसके बीच में स्विच भी कर सकते हो, बाकी ये ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी सेंटर में डिजिटल स्पीड वगैरह आ रही है, यहाँ पे देखोगे तो ये सारे आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने घंटे आपने गाड़ी चलाई है, एवरेज क्या दिया था, और उसके अलावा यहाँ पे आपको इकोनॉमी वगैरह ये बेसिक सी सारी चीजें जो है दिखा रहा है। सो ये सारी चीजें जो है आपको MID के अंदर मिलने वाली हैं। रही बात अपने इंफोटेनमेंट की, तो यहाँ पे आप देख लो 10.25 इंच वाली जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर आप कई सारी चीजें जो है कनेक्ट कर सकते हो, साथ में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीजें आपको मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप इसे ऑन ऑफ करोगे तो ये आप देख लो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको जो है इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी सेटिंग्स वगैरह है, स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ड्राइविंग डेटा देखने को मिल जाएगा, व्हीकल स्टेटस नोटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें हैं। स्कोडा प्ले ऐप से कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा डिटेल में देखें, कंजप्शन टाइम
और एवरेज स्पीड, ट्रिप वगैरह ये सारी चीजें दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट बटन है, फोन, मीडिया, और आप बंद करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको दे रखा है। बट अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इस तरीके से ही आपका जो है कंप्लीट बंद हो जाता है, बाकी दोबारा टैप कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे म्यूट वगैरह करने का ऑप्शन आपको दे रखा है। ये सेम अपना स्कोडा प्ले ऐप है, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। बाकी सेटिंग्स वगैरह देखोगे तो सेटिंग्स देख लो। अगर आप स्क्रीन ऑफ करना चाहते हो सिर्फ गाना प्ले करते टाइम, तो वो भी ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑडियो में भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती हैं। बाकी एक बार थोड़ा सा बैक कर देते हैं, यहाँ पे वैलेट मोड वगैरह है, और अगर आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको दे रखा है। बाकी आप बताओ क्वालिटी वाइज आपको कैसा लगा देखने के बाद। बाकी अगर आप पर्सनली मेरी बात पूछोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रीमियम जो है यहाँ पे ये फील होने वाला है। स्क्रीन साइज भी बहुत बढ़िया है, नीचे दो एसी वेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी आपको दे रखा है। और चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है देखने को मिलते हैं। पूरी कार के अंदर आपको सिर्फ सी टाइप का ऑप्शन मिलता है, कोई भी ए टाइप, 12V का, 12V का तो फिर भी मिल जाएगा, बट कोई भी ए टाइप आपको नहीं मिलता है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बाकी इधर देखो वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, नीचे भी अच्छी खासी फोन रखने के लिए स्पेस दे रखी है। इधर देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको उसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर वाला भी ऑप्शन आता है। और अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो है डीसीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे जो है टिपिकल फोक्सवैगन ग्रुप जो है डीएसजी बोलता है। थोड़ा बहुत अंतर जरूर से हो सकता है, बट अगर आपको चाहिए तो 1.5 में डीएसजी गेयरबॉक्स के ऊपर भी आप जा सकते हो। इधर बात करोगे वेंटिलेट सीट्स के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, और ये अपनी को ड्राइवर सीट के वेंटिलेशन के कंट्रोल्स। और जो अपनी सीट्स हैं वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन लेदर अपॉस्टी सीट का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। सनग्लासेस को थोड़ा सा हटा देते हैं, बाकी सीट के अंदर भी आपको एयरबैग मिलेंगे, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। और इधर बात करोगे तो देखो 12V का पावर आउटलेट, और अगर आप चाबी रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है इस तरीके से दे रखा है, बट एक चाबी आ पाएगी फिट, दो चाबी नहीं आएंगी। उसके अलावा दो बोतल होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, लेदर ऐप आपको आर्मरेस्ट दे रखी है, और स्पेस देखोगे तो इतना कुछ आपको यहाँ पे जो है स्पेस मिलता है, अच्छा खासा स्पेस है, आपका पर्स वगैरह इजीली आ जाएगा, और साथ में आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है अपनी आर्मरेस्ट के अंदर। बाकी ये देखो आपका हाथ इस तरीके से इजीली यहाँ पे जो है आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रंट से अगर आप बात करोगे तो ये सारी चीजें मिलने वाली है। उसके अलावा एक चीज रह गई थी, टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, और अगर आप मूर्ति वगैरह कुछ लगाना चाहते हो भगवान वगैरह की, तो डेफिनेटली ऑप्शन मिल जाता है। स्कोडा की बेजिंग यहाँ पे भी दे रखी है, यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। बाकी तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, यही सारी चीजें मिलती हैं अगर आप फ्रंट की बात करोगे। अब इसको तो कर देते हैं बंद सारी चीजों को, और चल लेते हैं अब एक बार पीछे, ये सारी चीजें भी आप देख ही सकते हो। पीछे और दिखा देता हूँ कि पीछे आपको क्या कुछ और मिलता है। सो ये वाली सीट जो है मैंने कंप्लीट पूरा पीछे कर रखी है, तो सबसे पहले तो आप स्पेस ही देख लो, अगर आपकी हाइट 5.5 के भी आसपास है और ये सीट पूरा पीछे है, तो इतना कुछ आपको स्पेस यहाँ पे मिलेगा। बाकी लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि और एग्जैक्ट जो है दिखाई दे आपको। बाकी अल्ट्रा वाइड में कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको निकाल के दिखाऊं, एक सेकंड यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो मोबाइल होल्डर वगैरह ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पीछे के भी आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। रूफ की बात करोगे, दो आपको जो है एलईडी बेस्ड रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ पे मिलती है, ऊपर ग्रैब हैंडल है, कोटू का आप यहाँ पे देख सकते हो, और डोर को कर लेते हैं क्लोज। और एक चीज शायद मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अगर मैं थोड़ा सा कंफर्म करूं तो यहाँ पे भी आपको ट्यूटर जो है देखने को मिल जाता है। तो अगर आप टॉप एंड पे जा रहे हो तो मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ कि आपको 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और 1 सबवूफर का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह है, इधर देखोगे तो कोई भी लेदर का यूज नहीं मिलता है, यहाँ पे जरूर से मिल जाएगा। पावर विंडो का स्विच आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें बता दी। उसके अलावा सेंटर की अगर आप बात करोगे तो 2 AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, सेम 2 जो है C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्कोडा ने जो ये सारी चीजें दी हैं फ्यूचर को ध्यान में रख के दी हैं, क्योंकि सारे ही डिवाइसेज अगर आप बात करोगे आज की डेट में अपने सी टाइप ही बनते जा रहे हैं। बाकी फ्लोर आप देख लो, ज्यादा कुछ खास नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबली आप जो है यहाँ पे बैठ सकते हो। बाकी सीट्स की बात करोगे तो सीट्स में आपको यहाँ पे जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं, ऐसी कुछ आपको सीट्स मिलेंगी, साथ में आर्मरेस्ट भी आपके यहाँ पे दी गई है, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीट फोल्ड करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है, 60-40 सीट का ऑप्शन आपको मिलता है। ये सारी चीजें हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे पैसेंजर के लिए, साथ में सीट बेल्ट वार्निंग भी अब जो है ऐड हो चुके हैं इस सीट के अंदर। और रही बात ऑफर की तो वो बता देता हूँ, अगर आप इस महीने के एंड तक इसे परचेज करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लगा के चलो 50 से 1 लाख रुपए तक आपको डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बार आप डीलरशिप को जरूर से कांटेक्ट कर लेना, इनकी कुशाक वगैरह पर भी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, तो अगर आपका प्लान है तो डेफिनेटली जल्द से जल्द आप विजिट कर सकते हो और जो अपनी डील है उसको ग्रैब जो है कर सकते हो। बाकी तो ये सारी चीजें हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बोनट। बोनट के अंदर आपको इंजन कैसा देखने को मिलता है, क्या कुछ स्पेक्स है इंजन से रिलेटेड, तो उन सारी चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से लीवर दे रखा है जो कि बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, नहीं तो कई गाड़ियों में आपको स्लाइड करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी।
और बात करोगे बोनेट की वेट की, तो अगर आप इसे टाटा वगैरह या कई और गाड़ियां हैं जो कि थोड़ा सा हैवी बोनेट देती हैं उनसे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हल्का फील हो सकता है, बट सेफ्टी में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। उसके अलावा आप इंजन देख लो, ऐसा कुछ इंजन है, एक्सटर्नल बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है, वॉशर फिल करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको दे रखा है, और कूलर फिल करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब लगा लेते हैं गाड़ी के स्टैंड को। सो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये जो है 1.0 वाला है, तो यहाँ पे आपको जो इंजन मिलेगा 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन। पावर फिगर्स की अगर आप बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 117 BHP की पावर और 178 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस 3 सिलेंडर इंजन से। अगर आपको ये पावर फिगर्स थोड़े से कम लग रहे हैं तो आप इसके 1.5 लीटर सेम TSI इंजन के भी ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे पावर फिगर्स आपको और इससे बढ़िया मिलने वाले हैं। बाकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ये आप देखो, इसकी माउंटिंग ही आप देख लो कि कितनी अलग तरीके से यहाँ पे दे रखा है। बाकी कंप्लीट इंजन का लेआउट, कई सारी चीजें जो है इसके अंदर अलग है। बाकी जो इसका टर्बो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ लग रखा है। देखो क्वालिटी वाइज कंपेयर मत करना किसी भी ब्रांड से, जर्मन ब्रांड है तो कंपेरिजन तो दूर दूर तक यहाँ पे जो है बनता ही नहीं है। बाकी एवरेज और बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग ले रहे होंगे 1.0 को तो एवरेज भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मैं बता देता हूँ जो कंपनी क्लेम कर रही है 18.5 का एवरेज क्लेम कर रही है इसके 35 लीटर के पेट्रोल टैंक से। अगर आप रियल लाइफ में बात करोगे तो आराम से पकड़ के चलो 15 तक का आप इजीली एवरेज जो है इसे निकाल सकते हो। बाकी अगर ऑयल डिप की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे मिलती है, इसको आप बाहर निकाल के इसका ऑयल जो है देख सकते हो कि गाड़ी में ऑयल कम तो नहीं है, सारी चीजें हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड वारंटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 1,00,000 किलोमीटर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए इजीली एक्सटेंड करा सकते हो। साथ में अगर आपके माइंड में ये है, अगर आपके माइंड में कोई भी मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे सर्विस जो है बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है, तो आपको उस चीज के लिए टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके 5 साल का इसका जो मेंटेनेंस पैक ले सकते हो, जिसके अंदर जितना भी खर्चा होने वाला है आगे के टाइम में सिर्फ ब्रेक कैलिपर्स को छोड़ के, और बाकी आप एग्जैक्ट जब लो तो टर्म एंड कंडीशन जरूर से पढ़ लेना, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो आपका ये भी मिसकंसेप्शन जो है सर्विस को लेके वो भी दूर हो जाएगा। सो ये है स्कोडा सलाविया का सबसे टॉप एंड वेरियंट। आपको कैसा लगा, फीचर्स वाइज प्राइस वाइज सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताई है। बाकी आप बताओ कि आप स्कोडा सलाविया का ये वाला वेरियंट लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। तो कर देते हैं आज की वीडियो के एंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।